हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एग्जाम पोस्ट। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम अपना पिछला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था। इससे पहले हमने मिनरल के टाइप्स पढ़े थे, कहाँ कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में हमने पढ़ा था। फिर हमने इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, वहाँ हमने आयरन और बॉक्साइट दो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने क्लियर कर लिया था। आयरन को हमने पढ़ा था, जो हमारी ट्रिक थी, जब जब तुमने ऑफिस में कॉल किया, मैं जीएम के पास था। और जो बॉक्साइट की जो ट्रिक थी हमारी, वो ये थी कि 36 मधुमक्खियाँ ऊपर से गुजर गई, तमीज से। जो हमारा पूरा सेंटेंस था, मधुमक्खियाँ ऊपर से तमीज से गुजर गई। तो ये जो हमारी ट्रिक थी, आज हम अपने ट्रिक ट्रक को आगे लेकर के चलते हैं। आज हम बात करेंगे पहले माइका की। माइका जो हम इसको ट्रिक से याद करें तो जबरदस्त माइका, बहुत सिंपल वर्ड है जबरदस्त। तो हम जबरदस्त माइका से इसको याद कर सकते हैं। ये देखिए जबरदस्त, जो रेड लेटर्स हैं आपने इनको यूज नहीं करना, जो ब्लू लेटर्स हैं इनसे हमारे जो है स्टेट के नाम बन जाएंगे। तो जे फॉर झारखंड, बी फॉर बिहार, ए फॉर आंध्र प्रदेश एंड आर फॉर राजस्थान। तो जबरदस्त माइका कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये स्टेट हमें कवर हो गई है। भाई आज बाहर से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रही है, कोई शादी वादी हो रही है, कोई ढोल तमाशे बज रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आए, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा इस चीज को। कॉपर की अगर हम बात करें तो देखिए कॉपर के लिए जो हमने ट्रिक बनाई है, क्या है ये ट्रिक, देखिए कॉपर कहाँ मिलता है। कॉपर राजस्थान की झाड़ियों के मध्य अंधेरे में मिलता है। कहाँ मिलता है कॉपर, राजस्थान की झाड़ियों में अंधेरे में मिलता है, राजस्थान की झाड़ियों के मध्य अंधेरे में मिलता है। तो सेम वही चीज है, अभी हमारी जो रेड लेटर्स हैं शब्द हैं उनको हमें यूज नहीं करना, जो ब्लू लेटर्स हैं इनसे हमारे स्टेट्स के नाम बन जाएंगे। तो राजस्थान ऑब्वियसली समझ में आ ही रहा है हमें, राजस्थान है ये। झाड़ियों, तो झार से हमारा बन गया झारखंड, के से हमारा बन रहा है कर्नाटका, मध्य से मध्य प्रदेश हमारा बन रहा है, आंध्र अंधेरे में आंध्र से हमें आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया हमारा कॉपर और माइका। तो दोनों ट्रिक बड़ी इजी हैं, जबरदस्त माइका और राजस्थान की झाड़ियों के मध्य अंधेरे में हमें मिलता है, क्या मिलता है, कॉपर मिलता है। मैग्नीज मिनरल की बात अगर हम करें तो जो हमारी ट्रिक है, मेहर ने ऊपर छत के मध्य में अंधेरा कर दिया। मेहर एक बच्चे का नाम है हम कह सकते हैं, तो मेहर ने ऊपर छत के मध्य में अंधेरा कर दिया। मेहर कोई बच्चा है, छत के ऊपर चढ़ा और ऊपर जाकर बिल्कुल बीच की जो लाइट थी उसको ऑफ कर दिया, तो उसने अंधेरा कर दिया। तो मेहर से हमारा बनता है महाराष्ट्र, ऊपर उसे हमारा बनता है उड़ीसा, छत को हमने कह दिया छत्तीसगढ़, मध्य से हमारा मध्य प्रदेश और अंधेरा से हमारा आंध्र प्रदेश। तो मैग्नीज के लिए हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, मेहर ने ऊपर छत के मध्य में अंधेरा कर दिया। बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आज, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। कोशिश कर रही हूँ मैं और ज्यादा ऊंची आवाज में आप लोगों को समझाऊं ताकि बाहर की जो डिस्टर्बेंस है आपको ना सुनाई दे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शोर है। भाई शादी है तो शादी का तो आप लोग जानते ही है किस तरह का माहौल होता है, तो वही शोर शराबा थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। चलिए लाइमस्टोन की अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन मिनरल के डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए जो हमारी ट्रिक बनी है वो ये है, विहान जरा 36 महीने और जीटीआर खेल के दिखा। देखिए मेरे बच्चे जो है वो एक गेम खेलते हैं जीटीआर, आई थिंक वो कोई कार रेस वेस का कोई गेम होता है, तो उसी से मेरे माइंड में आया जीटीआर। तो विहान कोई बच्चा है, उसकी मदर उसे वार्निंग दे रही है कि विहान जरा 36 महीने और जीटीआर खेल के दिखा। भाई ऐसी मम्मी सबकी हो, 36 महीने की वार्निंग दे रही है। चलिए तो विहान जरा 36 महीने और जीटीआर खेल के दिखा। विहान, तो यहाँ बिहार से हमारे पास बिहार बन रहा है, जार से झारखंड बन रहा है, 36 से छत्तीसगढ़, एम ए से हमारा मध्य प्रदेश, ओ आर से हमारा उड़ीसा, जी से गुजरात, टी से तमिलनाडु, आर से राजस्थान। तो ये हुआ हमारा लाइमस्टोन। इसी के साथ हम बात करें गोल्ड की, ठीक है। तो गोल्ड आप देखते हैं कि जो मोस्टली हमारे इंडिया में जो साउथ सदर्न एरिया है वहां की महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो बहुत ज्यादा गोल्ड पहन के रखते हैं। इसका मतलब साउथ के जो कर्नाटका रीजन है, कर्नाटका में यहाँ बहुत ज्यादा गोल्ड मिलता है। इसी के साथ अगर हम साल्ट की बात करें तो साल्ट हम जानते हैं, जैसे सांभर लेक है हमारी जो लेक एरिया है वहां से बहुत ज्यादा हमें साल्ट मिनरल जो है हमें मिलता है। तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं कि कहाँ कहाँ इंडिया के अंदर हमें कुछ चीजें मिलती हैं। देखिए ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाला कौन है, आप मैं या कौन है जिसने हमें इन सब चीजों के बारे में बताया, तो ये है कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे भारत के अंदर, सरकारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थाएं हैं जो इन सब कैलकुलेशन को करती है और हमारे सामने ये डेटा लेकर आती हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं ये कौन सी है, देखें
देखिए, ये जो डेटा हमें मिला है ये दो ऑर्गेनाइजेशन से हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कोलकाता में है, और वहीं हम बात करें दूसरी जो भारतीय खान ब्यूरो है जो हमारे नागपुर के अंदर है। तो ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं ये स्टडी करती हैं, जियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं, और उन्हीं के बेस पर हमें डेटा मिलता है कि कहाँ किस तरह का मिनरल मिल रहा है या किस तरह के मिनरल को मिलने की संभावना है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मिनरल कहाँ किस तरीके से पाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद जो अगर हमने ओवरऑल जो चीज़ें हमने देखी, कुछ चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं देखिए वो ये है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो मेनली जो सदर्न रीजन है, ईस्टर्न सदर्न जो पार्ट है, दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है, यहाँ ज़्यादा खनिज पाए जा रहे हैं। दक्षिण पूर्वी भाग जो है यहाँ पर ज़्यादा खनिज पाए जा रहे हैं। देखिए इधर से हम शुरू करें, देखिए राजस्थान से अगर हम शुरू करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर झारखंड, फिर उड़ीसा, और इधर आंध्र प्रदेश, और इधर फिर कर्नाटका। तो ये वाला जो रीजन है ये हमारा जो है सारा मिनरल बेल्ट है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल्स हमें मिलते हैं। कौन कौन से स्टेट्स मैंने आपको कहे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र, और कर्नाटका। तो ये जो रीजन है ये क्या है, हमारे सारे जो मिनरल की आप मैप में देखेंगे इस तरीके से आपको नजर आएगी ये बेल्ट। तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मिनरल हमारे डिपॉजिट मिलते हैं, और यहाँ भी जो उड़ीसा है वो शीर्ष यानी कि सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा जो मिनरल्स हैं वो हमें इस रीजन के अंदर हमें मिलते हैं। तो ये हमने बेसिक हमारा पढ़ा कि मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, किस तरीके से मिनरल्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, मेटालिक कहाँ मिलते हैं, नॉन मेटालिक कहाँ मिलते हैं, फेरस कौन से होते हैं, नॉन फेरस कौन से होते हैं। अब अगर हम बात करें देखिए कि मिनरल्स का यूज क्या है, अगर हम अपने रूटीन लाइफ की ही बात करें तो हम मिनरल्स को अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको साल्ट कहा, तो साल्ट आपको पता ही, हम अपने खाने पीने में, बड़े धमाके हो रही हैं शादी में, चलिए आगे पता नहीं क्या होगा, अभी तो खुश हो रहे हैं, पटाखे बजा रहे हैं। चलिए आगे हम साल्ट की बात करें, जैसे जो मिनरल है साल्ट, हम पता है हमें खाने के अंदर हम यूज करते हैं। जो एल्यूमिनियम की हम बात करें तो हमारे जो बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, जो भी हमारे आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, हमें इन सब में हम इनको यूज़ करते हैं। मेटल्स हैं, जैसे हमारी जो भी मेटालिक चीज़ें हैं कंडक्शन के अंदर, वायर्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं उनके अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। तो हर जगह हम मिनरल्स का कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं। गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, ये सब हम ज्वेलरी में यूज़ कर रहे हैं। कोल, पेट्रोलियम, इन सब का हम एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी लाइफ में इन मिनरल्स का बहुत यूज़ है। लेकिन फिर से वही बात आती है, ये हमने क्या पढ़ा, यूजेस। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन, यानी कि हमने जो यूज है वो इतना ज्यादा कर दिया है कि इनका संरक्षण करना हमारे लिए जरूरी हो गया है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज हम इनका कर रहे हैं। इसी तरीके से जो मिनरल्स हैं हमने इनका ओवर यूज शुरू कर दिया है। जब हम माइनिंग करेंगे तो क्या होगा, जमीनें हम खोदते जाएंगे तो क्या होगा, ऑसिडिंग जब हम कर रहे हैं तो जो अंदर की लेयर्स है वो कमजोर हो जाएंगी। जो हम सॉइल इरोजन की हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं, सॉइल इरोजन है, लैंडस्लाइड्स हैं, लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन जिसे हम कहते हैं, सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन जिसे हम कहते हैं। अच्छा, जब माइनिंग हम करते हैं तो क्या होगा, उस जगह का जो बायोडाइवर्सिटी है वो सारी डैमेज हो जाएगी। हम ब्लास्ट करेंगे वहां पर तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचेगा, उस एरिया के जो रेजिडेंशियल लोग हैं, वहाँ के जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको हमें वहां से हटाना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सामने आती हैं, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो क्या है, हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, यानी कि जो हम इनका दोहन कर रहे हैं इनसे, जो सॉइल इरोजन है या लैंडस्लाइड्स हैं या ब्लास्ट करने से जो केमिकल्स निकलते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में जाते हैं। कोयला हम निकाल रहे हैं, कोयले को हम लगातार यूज करते जा रहे हैं, जो फ्यूल उसे धुआं निकलता है, ये सब चीजें क्या कर रही है, अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है। और जो इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस यानी कि असंतुलन की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं इनको बनने में क्या लगता है, बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि हम यूज करें फटाफट से बनता जा रहा है। अभी मम्मी खाना बना रही है, भूख लगे जा रही है, हम एक एक गर्म रोटी हम खाते जा रहे हैं, और कभी ज्यादा भूख लग गई तो मम्मी मना नहीं करती, भाई ठीक है एक नहीं दो खाओ। लेकिन यहाँ हमारी मम्मी नहीं बैठी है भाई, यहाँ हमें खुद ध्यान देना पड़ेगा कि जो मिनरल रिसोर्सेज हैं हम इनको कैसे बचाएं।
बड़े धूम धड़ाके वाली शादी है भाई ये तो। चलिए तो अब हमें क्या करना है, हमें इन मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। कैसे करें, कैसे कर सकते हैं भैया? हम वही करेंगे जो हम हमेशा आपसे कहते हैं, हम अपने यूज को मिनिमाइज करें, मिनिमाइज करें, कम से कम हम उपयोग करें। दूसरे अल्टरनेट जो तरीके हैं हम वो निकालें, अल्टरनेट यानी कि विकल्प हम ढूंढें। क्या विकल्प ढूंढें भाई, हमारे पास क्या विकल्प है? हम सभी जानते हैं हम पेट्रोल, फ्यूल, कोयला, इन सब की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, हम विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, हम जो चीज़ें हैं उनको रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ हो सकता है, रीसाइकिल हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करके, इन सब तरीकों को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले जनरेशन इनको यूज़ कर सकें, उनके लिए भी जो मिनरल्स हैं वो बचे रह जाएं। तो यहीं पर जैसे हमने एक अवेयरनेस की भी बात की, जागृति फैलाना, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए भाई। हम खुद जागरूक होंगे तभी तो हम लोगों को जागरूक करेंगे। अब मैं इतने दिनों से आपसे कंटिन्यूसली अपनी क्लास में अवेयरनेस की बात करती हूँ, तो जरा ईमानदारी से बताइए कि आप में से कितने लोग जागरूक हुए? नहीं होंगे। क्यों? हमारे पास और बहुत सारे काम है, पर्यावरण वगैरह सब बाद में देखा जाएगा भाई, बाद में कुछ नहीं बचेगा, जो करना है हमें वो अभी ही करना होगा। तो अपनी तरफ से एक एक कोशिश जरूर से करें। चलिए तो ये हमने पढ़ा क्या, मिनरल्स और मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज को यूजेस क्या क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और हम इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अब जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो हम पावर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं यानी कि ऊर्जा संसाधनों की हम बात कर रहे हैं, अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए जैसे यहाँ अभी मैंने आपसे कहा कि हमें अल्टरनेट्स ढूंढने होंगे। क्या है अल्टरनेट, विकल्प की जो मैंने आपसे बात की, क्या है वो हमारे पास में? हमारे पास में जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब हम क्या है हमारे पास अल्टरनेट्स हैं। किसके अल्टरनेट हैं ये हमारे पास? एनर्जी के यानी कि ऊर्जा के। तो पावर रिसोर्सेज क्या होंगे? पावर रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं, द रिसोर्सेज विच प्रोवाइड और जेनरेट पावर और एनर्जी, यानी कि वो रिसोर्सेस, वो संसाधन जो ऊर्जा या शक्ति उत्पन्न करते हैं, शक्ति देते हैं या उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, जैसे हम कोयले की बात करें, हम पेट्रोलियम की बात करें, हम नेचुरल गैस की बात करें, तो ये सब क्या है, हमें एनर्जी देते हैं, यानी कि हम जब इनको यूज़ करते हैं, एनर्जी से मतलब कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है कि हम पियेंगे, हम खाएंगे, हमें एनर्जी मिल जाएगी, ये हमें वर्किंग की एनर्जी देते हैं, यानी कि जो हमारी मशीनरीज हैं उनको काम करने के लिए एनर्जी देते हैं। भाई मशीन तो हम हमारी तरह दूध नहीं पी सकती, बादाम नहीं खा सकती, उनको भी तो एनर्जी चाहिए, तो ये उनके एनर्जी सोर्सेज हैं। तो जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं वो रिसोर्सेज हमारे क्या कहलाएंगे, पावर रिसोर्सेज हम उन्हें कहेंगे। अब पावर रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल शब्द का मतलब क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है इसका? कन्वेंशनल मतलब रूढ़िवादी, जो पारंपरिक है, ट्रेडिशनल है। टाइप की अगर हम बात करें तो क्या है, ये दो टाइप है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, इन्हें हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, हिंदी में हम इन्हें कह सकते हैं पारंपरिक और गैर पारंपरिक। ठीक है, पारंपरिक क्या होते हैं, पारंपरिक वर्ड आया परंपरा से, परंपरा कैसे होती है, जो सदियों से चली आ रही है, तो इसका मतलब वो सोर्सेज जो हम पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, पारंपरिक रिसोर्सेज कहेंगे। अब कई बार पारंपरिक यानी कन्वेंशनल, देखिए हमने अभी पीछे पढ़ा था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो कई बार कन्वेंशनल को ही रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में बांटा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों की डेफिनेशंस
अलग है, लगभग कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन कन्वेंशनल जो है वो रिन्यूएबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, नॉन रिन्यूएबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो अभी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे। तो कन्वेंशनल क्या हो गए, देखिए पारंपरिक स्रोत, पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं, जो हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं। जैसे पुराने समय में हम यूज करते थे क्या, वुड, लकड़ी हम यूज करते थे, गैस तो नहीं थी, एलपीजी गैस तो नहीं थी, चूल्हे तो नहीं थे, तो वो तो वैसे भी अब मोदी जी ने आकर के बांटे हैं तो सुविधा इतनी बढ़ गई है। तो वुड जैसे हम बात करते थे, लकड़ी की हम बात किया करते हैं, तो लकड़ी जगाया करते थे पहले। इसके अलावा हम क्या यूज करते थे, कोल, कोयला, जब थोड़ा सा और परिवर्तन आया तो कोयले की पहचान हुई, कोयला हम यूज करने लगे, तेल ऑयल का हम यूज करने लगे। और तो इस तरीके से ये क्या है, पारंपरिक ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं हमारे। तो इसी में हम अगर गैर पारंपरिक की बात करें कि जो आज के समय में जो मॉडर्न हम यूज कर रहे हैं तरीके, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन कन्वेंशनल। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी, ये सब क्या है, हम आज के समय में यूज कर रहे हैं। तकनीकी विकास होने के बाद हमने इन सब चीजों को डिस्कवर किया, और सोलर, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी, इन सब एनर्जी को, जियोथर्मल एनर्जी, इन सब को एनर्जीज को हमने यूज किया, और इनसे अलग अलग तरीके से हमने एनर्जी की फॉर्म गेन की। तो ये क्या हो गए हमारे, नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं इनके टाइप्स के बारे में और हम डिस्कस करते हैं। यहाँ हमने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक संसाधनों के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं, जिसको हम बार बार अभी डिस्कस भी कर चुके हैं, जैसे फायरवुड, कोल, हाइड्रल पावर, नेचुरल गैस या ऑयल, ये सब किस में आएंगे, कन्वेंशनल के अंदर। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि जो हम रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल के अंदर हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए हाइड्रल पावर या नेचुरल गैस है, इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, हम वैसे देखें तो किस में आ जाएगा, रिन्यूएबल में, लेकिन आप कन्वेंशनल किसको कह देते हैं, नॉन रिन्यूएबल को कहते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो कन्वेंशनल है उनको हम नॉन रिन्यूएबल नहीं कहेंगे। तो चलिए, तो कन्फ्यूज मत होइए, सिंपल सी चीज़ है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो अलग कैटेगरीज हैं। तो यहां हमने फायरवुड की बात की, कोल की हमने बात की, हाइड्रल पावर, नेचुरल गैस, ऑयल, इन सब की हमने बात की है। अब ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, हर रिसोर्स का यूज का अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। यहां हम अगर बात करें एडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि लाभ, फायदे और हानि। ठीक है, तो देखिए कोयला है, अगर फायरवुड की अगर हम बात करें तो सस्ता है, इजीली मिल जाता है, और इकट्ठा करके हम इसको जला लेते, सुखा लेते, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें नहीं करना पड़ता। लेकिन नुकसान की अगर हम बात करें तो इसको इकट्ठा करना, ढूंढने जाना, आज के समय में जैसे पेड़ पौधे तो हम काटते जा रहे हैं, तो लकड़ी हमें नहीं मिलती है, एक्सपेंसिव तो नहीं होगा अच्छा, लेकिन लकड़ी मिलना भी अपने आप में बहुत मुश्किल है। अगर जब जलेगा ये तो क्या होगा, धुआं बनाएगा, और धुआं कहाँ जाएगा, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा। कोयला के हम देखें तो वो भी इसी तरीके से, ठीक है हमें ज़मीन के नीचे से मिल जाता है, लेकिन इसको बनने में कितना समय लगता है, हजारों लाखों समय, हजारों लाखों सालों का समय से लग जाता है, और जलने पर क्या करता है, धुआं देता है। जैसे कोयले की हम बात करें, धुएं की अगर हम बात करें, तो अलग अलग तरह के कोयले होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पिट, लिग्नाइट, ये सब जो कोयले, इनमें कार्बन कंटेंट के बेस पर इनकी जो क्वालिटी है वो डिसाइड होती है। तो कोयले की हमने बात की, इसी तरीके से हाइड्रल पावर है, नेचुरल गैस है। हाइड्रल पावर अगर हम डैम्स बनाएंगे तो क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो कर पाएंगे, लेकिन हमें उस एरिया के जो रेजिडेंशियल रेजिडेंस हैं, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, या बायोडाइवर्सिटी, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो वो अपने आप में एक बड़ा नुकसान है, और उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी, एंडेंजर्ड हो जाएगी, तो नुकसान है इसका। इसी तरीके से हम नॉन कन्वेंशनल की देखें कि विंड एनर्जी, विंड एनर्जी यानी कि जब हवाएं बहुत तेज चलेंगी वहीं पर हम क्या कर पाएंगे, इसको कर पाएंगे। तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, या ये जो हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, इन रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोडक्शन का जो पैनल हम बनाते हैं, जो प्लांट हम लगाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आ जाता है। हालांकि एक बार में एक्सपेंस आने के बाद आगे हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन पहली बार में ही इतना खर्चा आ जाता है कि क्या क्या, मतलब बिस्मिल्लाह ही हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, नुकसानदायक होते हैं। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स होंगे वहां पर क्या होगा, हालांकि एनर्जी तो बहुत बनेगी, लेकिन जो रेडिएशंस निकलेंगी वो क्या करेंगी, कितनी हार्मफुल होंगी, हम सभी जानते हैं।
जियोथर्मल की हम बात करें, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सब का हम ये कह रहे हैं कि जो लगाने का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इको फ्रेंडली हम सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक्सपेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उसको लगाने से बचते हैं, और बहुत बड़े लेवल पर इसको लगाना पड़ता है। अगर इंडिविजुअल आप और हम सोचें तो बहुत मुश्किल है। जैसे सोलर पैनल तो ठीक है हम लगा सकते हैं, टाइट्स के हम अकेले थोड़ी ना यूज करेंगे, या विंड मिल की हम अगर बात करें तो हम अकेले कहाँ ले जाकर के विंड मिल लगाएंगे। तो ये सब चीजें जो क्या करती हैं, हर चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ ये आपने देखा। अब जैसे हम अलग अलग ही पावर प्लांट्स की ही हम बात करते हैं। देखिए, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक समरी के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे विंड एनर्जी की हम बात करें, जो विंड फार्म्स लगते हैं, बड़ी बड़ी पवन चक्की हैं, आपने देखी होंगी, जैसे बहुत ऊंचाई के ऊपर, ऊंचाई पर हम जब जाते हैं तो क्या होता है, हवा तेज चलती है, तो बड़ी बड़ी पवन चक्की हैं इस तरीके से लगी होती हैं, ये इस तरीके से लगी होंगी, और इसके ऊपर क्या होता है, फैन लगा होता है। तो ये फैन जब होगा, यहाँ से हवा जब चलेगी तो ये फैन घूमता है, और इसके साथ कनेक्टेड होते हैं तार, नीचे जनरेटर लगा होता है, मोटर लगी होती है, और ये क्या करती है, जो विंड एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, विंड एनर्जी जब टरबाइन को, यानी कि इसको पंखे को घुमा रही है, पंखा क्या है, एक मशीन है, तो किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल में, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी कहाँ जा रही है, जनरेटर में, और जनरेटर से किस में कन्वर्ट हो रही है, ये इलेक्ट्रिकल में। तो इस तरीके से विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। तो ये हो गया विंड मिल। अब विंड मिल की अगर हम बात करें कि जो विंड फार्म्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, तो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन, यानी कि जहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं, मैंने आपको पिछले भी क्लास में बताया था कि जहाँ पर हवाएं तेज चलेंगी या जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर जो है विंड पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो कोस्टल प्लेन्स हैं, तमिलनाडु है, यहाँ पर क्या है वो बनाई जाती हैं, जैसलमेर है। दूसरी हमारी बात करें न्यूक्लियर पावर की, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें क्या होती है, भट्टी होती है, दो तरह की रिएक्शन यहाँ पर होती है, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि ये अभी आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होती हैं पर दो तरह की होती है, फिशन एंड फ्यूजन, यानी कि संलयन और विखंडन, यानी कि जो नाभिक होते हैं, एटम्स होते हैं, वो टूटते भी हैं और जुड़ते भी हैं। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होती हैं यहाँ पर जो रिएक्शंस होती हैं कंट्रोल्ड मैनर में की जाती हैं। कंट्रोल मतलब जो भट्टियाँ होती हैं, बड़ा उसका टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है, पानी भरा जाता है उसके चारों तरफ, मतलब बड़े लेवल पर ही किया जाता है, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर मेंटेन ना हो तो बहुत विनाशकारी ये हो सकती हैं, और जो रेडिएशंस निकलते हैं वो भी बहुत नुकसानदायक होते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसको कंट्रोल्ड मैनर में करते हैं तो हम इसको अपने यूज के लिए यूज करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो मेनली यूएसए और यूरोप में जो पावर प्लांट्स हैं बेसिकली यहाँ पर है। इंडिया की हम बात करें तो राजस्थान और झारखंड में है, यहाँ पर मिलता है हमें मेनली यूरेनियम। और वहीं हम केरला की बात करें तो केरला के अंदर हमें थोरियम मिलता है, वहाँ कौन सी सैंड होती है, मोनोजॉइट सैंड होती है, तो वहाँ पर मोनोजॉइट सैंड होती है जहाँ पर हमें थोरियम मिलता है। तो यूरेनियम और थोरियम हमें इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, राजस्थान, झारखंड में और केरला में। राजस्थान और झारखंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप इसे। इसी के अलावा जो पावर प्लांट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर ही, वो कहाँ कहाँ हैं, कल्पक्कम जो तमिलनाडु में है, तारापुर जो महाराष्ट्र में है, कोटा राजस्थान में है, नरोड़ा ये कहाँ है, यूपी के अंदर, और कैगा जो है कर्नाटका के अंदर। यहाँ क्या है हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वो सेटअप है। अब जियो थर्मल एनर्जी की बात करें, जियो थर्मल यानी कि जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, और थर्मल मतलब कि टेम्परेचर, यानी कि अर्थ के नीचे का जो टेम्परेचर है जब हम उसको यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या कहलाती है, जियो थर्मल एनर्जी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ के नीचे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उस टेम्परेचर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हीट होती है वहां पर, और पानी जो होता है गर्म होता है, तो उस हीट्स को हम क्या करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, उस वेपर के प्रेशर से जो है टर्बाइन्स घूमते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है प्रोसेस वही होता है कि एनर्जी किसमें मैकेनिकल में, और मैकेनिकल किसमें इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, तो वो हो जाता है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी की अगर हम बात करें तो यूएसए, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका, विश्व में, वर्ल्ड में, यहाँ यहाँ मिलती हैं ये। और इंडिया की हम बात करें तो मणिकरण यानी कि हिमाचल प्रदेश में है जो, और पूगा वैली जो है लद्दाख के अंदर, यहाँ पर ये हमारे जियोथर्मल प्लांट्स हैं। ये हमने बात की विंड, न्यूक्लियर, जियोथर्मल एनर्जी की। अब हम आगे दूसरे एनर्जी सोर्स की हम बात करते हैं, टाइडल
टाइडल एनर्जी की हम बात करें, टाइड्स जिसे हम कहते हैं ज्वार, ज्वार भाटा जो हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में, तो जब ज्वार भाटा उठते हैं तब भी क्या होता है, लहरों के साथ एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम कहाँ यूज करते हैं, टर्बाइंस के अंदर, यानी कि जहाँ लहरें उठती हैं उस जगह डैम बनाकर वहां पर क्या लगाया जाता है, पूरा सिस्टम डेवलप किया जाता है, टर्बाइंस होते हैं। टर्बाइंस मतलब पहिए जैसा कुछ मशीन होती है, और जब लहरों से एनर्जी आती है तो उस टर्बाइन को घुमाया जाता है और वो टर्बाइन मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है फिर से। तो क्या होता है ये टाइडल एनर्जी कहाँ मिलती है, बेसिकली वर्ल्ड के अंदर हमें रशिया और फ्रांस के अंदर, इंडिया की हम बात करें तो गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, आपकी जो एनसीईआरटी बुक दी गई इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन कहाँ बनाया गया था, फ्रांस के अंदर। फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर बस शेल्टर कहाँ बनाई गई थी, स्कॉटलैंड के अंदर। फर्स्ट नेशन विच हैज डेवलप्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो क्या था, नॉर्वे, यानी कि पहले जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई थी वो नॉर्वे था। अब यहीं पर आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है बायोगैस। बायोगैस आप सभी जानते हैं, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है हम क्या करते हैं, एक गहरे खड्डे के अंदर इस तरीके से हम वहाँ पर एक कंटेनर फिट करवाते हैं, सिलेंडर फिट करवाते हैं, और इस पर ढक्कन लगा होता है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ये ढक्कन इस पर लगा होता है, और यहाँ पर वॉल्व होते हैं, टैप्स लगी होती हैं, कुछ इस तरीके से होता है ये। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक जो जगह है यहाँ से हम क्या करते हैं, सारे स्लरीज यानी कि जितना भी वेस्ट है वो सब हम इस सिलेंडर के अंदर भरते चले जाते हैं। जब हम यहाँ से भरेंगे तो क्या होगा, जो अंदर जितने भी वेस्टेज हैं उनका डिकम्पोजिशन होगा, यहाँ पर डिकम्पोज होंगे, डिकम्पोज यानी कि इनका विघटन होगा। यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं, स्लरी। स्लरी क्या होता है, जितना भी वेस्ट है वो सब हम यहाँ डाल रहे हैं, तो नीचे डिकम्पोज होता रहेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या करेंगे, इन सभी ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करेंगे, वो विघटन करेंगे इनका। जब विघटन होगा तो क्या होगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने पर यहाँ से गैस बनेगी, और ये गैस क्या होगी, गैस क्या होती है, हल्की होती है, तो वो ऊपर उठ कर आएगी, और जब ऊपर उठ कर आएगी तो इस साइड से ये जो वेंचर बना हुआ है यहाँ पर, इस ट्रैप से हम क्या करते हैं, उस गैस को हम बाहर निकाल लेते हैं, और नीचे यहाँ पर जो बच जाता है वेस्ट उसको हम क्या कह देते हैं, मैन्योर यानी कि खाद, यानी कि जितना भी वेस्ट है उससे हम नेचुरल सॉरी बायोगैस और हम मैन्योर बना सकते हैं। तो ये है हमारा बायोगैस। तो आज के इस चैप्टर में हमने अलग अलग पावर रिसोर्सेज को हमने पढ़ा, बहुत जनरल सी चीज़ें हैं जो आप सभी जानते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही आपको कह रही हूँ, नो नीड टू क्रैम द थिंग्स। जो चीज़ें हैं, जो आपके नेशंस के नाम हैं, शहरों के नाम हैं, हमारे इंडिया के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सबको आप रट्टा मत मारिए, कोई जरूरत नहीं है आपको, दो बार तीन बार आराम से पढ़िए इसको। देखिए सेवन्थ क्लास का चैप्टर है, तो ये सेवन्थ के हिसाब से ही हम सॉरी एट्थ क्लास का चैप्टर है, मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ कि क्लास के अकॉर्डिंग ही हम इसको पढ़ेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है जैसे अभी यहाँ पर हमने लिखा रशिया और फ्रांस, तो रशिया और फ्रांस ही हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि एट्थ क्लास के बच्चे को हम इतनी डोज देंगे तो उसके दिमाग में कहाँ घुसेंगी, तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं, तो अभी इन चीज़ों में हम बहुत सारी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, लेकिन अभी के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है, और आप कोशिश कीजिए इसको बार बार से रीड करें, और आगे के चैनल्स आगे के वीडियोस में जो है जब हम चैनल पर लेकर आएंगे तो उसमें आपके लिए बहुत सारा मैटर होगा, बहुत इजी वे में आपको करवाया जाएगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, और आपकी प्रिपरेशन नहीं है ये, एक्चुअली रिजल्ट जो होगा हमारा होगा, क्योंकि आप तो अपनी प्रिपरेशन कर ही कर रहे हैं, लेकिन आपकी उस प्रिपरेशन से हमें रिजल्ट मिलेगा, यानी कि हमारी मेहनत जो है वो आपके थ्रू हमें पता चलेगी। तो आप वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जो डाउट्स हैं आपके वो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप वीडियोस को देख रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं आप हमें कमेंट बॉक्स को यूज़ करते हुए आप बताते रहें। टिल देन कीप वॉचिंग, एंजॉय योर वीडियोज़, थैंक यू।